हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आज की हम लोग किस वीडियो में चर्चा करेंगे बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के पूरे लोगों के सिक्सेस के बारे में। तो इससे अभी हम लोग मोस्टली बल्कि लोगों के सिक्सेस के बारे में चर्चा करेंगे, यानी जो सीरीज थी न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश सबसे लंबा सिक्स कौन सा मारा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे तो मैंने मोस्ट सक्सेस के बारे में बनाने की सोची थी, लेकिन इसमें टॉप फाइव बन नहीं रहे थे, क्योंकि इस स्टेडियम में जो सारे के सारे सक्सेस लगे थे वो लगभग 80 मीटर के आसपास ही थे, जिस दौरान दोस्तों बहुत ही कम छक्के लगे थे इस सीरीज में, क्योंकि इस स्टेडियम में बड़ा था इस कारण। तो इस कारण मैंने मोस्ट के लॉन्च के सक्सेस की वीडियो बनाई। ये बदला क्या कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस वीडियो को लोगों के सक्सेस वाले की वो मैं मोस्ट सक्सेस की प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग खाली सक्सेस के बारे में ही तो चर्चा कर रहे थे, चाहे वो मोस्ट की फिर चाहे वो लॉन्गेस्ट की हो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात तौर पर बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों इसमें बहुत से सक्सेस ऐसे भी हैं जो कि 100 मीटर के हो गए, तो मैंने T20 के हिसाब से जोड़े हैं। जैसे कि दोस्तों जो 5 T20 है उसकी मैंने उसको आके रखा है, और जो दोस्तों चौथा T20 होगा उसको मैंने पीछे, यानी दोस्तों जो चौथा T20 वाले में जो सेम छक्का होगा वो उसको मैंने चौथे नंबर पर रखा है, वही जो 5 T20 का सेम छक्का होगा उसको मैंने 5वें नंबर पर रखा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी बात बड़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग मेरा किसी तरीके शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखते हैं कि 5वें नंबर पर किस बल्लेबाज का नाम आता है। तो दोस्तों 5वें नंबर पर नाम आता है फिन एनल का, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि फिन एनल न्यूजीलैंड की टीम के बल्लेबाज है। इन्होंने जो छक्का मारा था वो कहा था कुल 86 मीटर का, और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 5 T20 में मारा था ये वाला सिक्स, जिस कारण इनका 5वें नंबर पर नाम आता है। तो चलिए देखते है कैसे मारा था इन्होंने ये वाला सिक्स। तो दोस्तों चौथे नंबर पे नाम आता है मोहम्मद नेम का, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मोहम्मद नेम बांग्लादेश की टीम के बल्लेबाज है। इन्होंने कुल दोस्तों 86 मीटर का एक लंबा छक्का जड़ा था, और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने चौथे T20 में जड़ा था, और इन्होंने पहले वाले T20 में जड़ा था, इस कारण इनका चौथे नंबर पर नाम आता है। तो चलिए देखते है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे नाम आता है महमदुल्ला का, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि महमदुल्ला बांग्लादेश की टीम के कैप्टन है। इन्होंने कुल 88 मीटर का ही छक्का मारा था, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो इन्होंने ये 88 मीटर का छक्का मारा था ये इन्होंने 5वें T20 में मारा था, और इसी कारण इनका तीसरे नंबर पर नाम आता है। तो चलिए देखते हैं कैसे मारा था। और दोस्तों दूसरे नंबर पे भी महमदुल्ला का ही नाम आता है, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये बांग्लादेश की टीम के बल्लेबाज है। दोस्तों जो इन्होंने सिक्स मारा था वो कहा था कुल 88 मीटर का ही, और इसी तरह इनका दूसरे नंबर पे नाम आता है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इन्होंने चौथे T20 मैच में मारा था ये वाला सिक्स, इस कारण मैंने इनको दूसरे नंबर पर रखा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लंबे छक्के मारने वाले बल्लेबाजों में नाम आता है कोलिंडी कैंडोम का, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये न्यूजीलैंड की टीम के बल्लेबाज है। इन्होंने इस सीरीज में कुल 89 मीटर का एक बहुत लंबा छक्का मारा था, और दोस्तों यही है सबसे लंबा छक्का इस सीरीज का, वही इन्होंने ये 5वें T20 में मारा था ये वाला छक्का। तो चलिए देखते हैं कैसे मारा था। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और हाँ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इन सब में से कौन सा फेवरेट प्लेयर है।
लेकिन मैंने इन सब में से तो एक चीज़ बताना भूल गया कि वो जो पास T20 थे उसका आखिर का क्या हाल हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि उस पास T20 में बांग्लादेश सीरीज जीत गई थी, वो भी 3-2 से। और उसमें कुछ ऐसा हुआ था कि जो पहले T20 था उसमें बांग्लादेश जीती, वह जिसमें दूसरा T20 था उसमें भी बांग्लादेश जीती, लेकिन जिसमें तीसरा T20 था उसमें न्यूजीलैंड जीत गई थी, जो चौथा T20 था उसमें फिर बांग्लादेश जीत गई थी, जिस कारण वो पूरी की पूरी सीरीज जीत गई थी। लेकिन अभी पांचवा T20 भी बाकी था जिसमें न्यूजीलैंड जीत गई थी। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जिसमें से मेरे 100 में से 10 से सही जाती थी प्रेडिक्शन, वहाँ पे इसमें से 5 में से 4 प्रेडिक्शन मेरी सही गई, यानी 80% मेरी प्रेडिक्शन सही चली गई थी, जो कि चौंकने वाली बात है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट अगली वीडियो में।